चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कैंट इकाई की बैठक दुर्ग शहर में बुधवार को संपन्न हुई। इस बैठक में थोक कपड़ा एवं तालपत्री व्यापारी संघ का गठन किया गया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला एवं चेयरमैन पवन बड़जात्या के मार्गदर्शन तथा प्रहलाद रुंगटा और मोहम्मद अली हिरानी के सानिध्य में पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष कैलाश बरमेचा, सचिव नाकेश कुमार मोदी, कोषाध्यक्ष कुशल लोढ़ा, उपाध्यक्ष विजय पड़िया एवं सचिव अमित बड़जात्या को बनाया गया। थोक कपड़ा एवं तालपत्री व्यापारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश बरमेचा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। चैम्बर ने डिमांड नहीं की थी, मुख्यमंत्री ने दो साल पहले घोषणा की थी कि होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसी के लिए अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है और चैम्बर के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी इसमें भिड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पुराने बाज़ार से व्यापार करते हैं गांधी चौक से, तो हमें भी उसके लिए अप्लाई करना था, तो हमने अपने यहाँ एक एसोसिएशन बना के उसके तहत आवेदन दिया कि हमें इतने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, प्रत्येक दुकानदार का इतने इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए, उस हिसाब से टोटल करके हम अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चित रूप से ही मुख्यमंत्री जी का हमें सहयोग मिलेगा और एक होलसेल कॉरिडोर दुर्ग शहर में स्थापित होगा, जैसे कि सभी जिलों के लिए प्रस्ताव है। तो सभी प्रकार के होलसेल के मार्केट एक जगह केंद्रित होने से आवागमन में भी सफल प्रॉब्लम दिक्कतें नहीं आएगी और सभी प्रकार के व्यवसाय सफल होंगे, फलेंगे फूलेंगे। राज्य के मुखिया के लिए हमें आभार जाता रहे, जल्दी से जल्दी इसमें इम्प्लीमेंट करें और भूमि पूजन कर कार्य को पूर्ण स्टार्ट करें। मैं कैलाश कुमार जैन, कैलाश बरमेचा, बरमेचा टेक्सटाइल थोक कपड़े का व्यापारी हूँ एवं इसके अलावा मेरे अन्य व्यापार हैं, परमिचा एलिवेटर, कमला मोटर्स एवं कमला फाइनेंस का मालिक हूँ मैं।